शिवसेना पार्टी की ओर से एक त्रिसदस्यीय कमेटी भंडारा का जो हादसा हुआ इसके लिए गई थी, और वहां जाकर जो कुछ हमें जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो तैयार की, तो जो कुछ सच्चाई सामने आई वो थोड़े दहला देने वाली थी। कि पहली बात तो भंडारा को 6 दिन से SP ही नहीं थे, और दूसरी बात ये कि 30 और 31 तारीख को जब उसके साथ या दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुआ, अगर 31 तारीख को पुलिस थाने पर ही उसे रोका जाता तो शायद 1 तारीख को पीड़िता के साथ फिर और जो दुष्कर्म हुए हैं वो शायद रोके जा सकते थे। तीसरी बात ये कि हम इस केस के ही सिलसिले में जब गोंदिया के SP विश्व पानसरे जी से मिलने जा रहे थे, तभी गोंदिया का जो गंगाबाई मेडिकल कॉलेज है वहां पर और एक पीड़िता थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और वह सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष आयु की बालिका है, और उसे बहुत ही गलत तरीके से अबॉर्शन के लिए IPs खिलाए गए थे। अब मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं कि पहली बात 6 दिन के लिए SP क्यों नहीं थे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे लगता है कि हवा में विमान जो वो हवाई जहाज रोकते हैं इतना आसान है बिना SP के कोई जिला चलाना? दूसरी बात कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से अगर IPs दिए जाते हैं तो ये काफी सीरियस बात है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेप मैटर में ही नहीं बल्कि जब सोनोग्राफी होती है, उस त्रिभुवन हत्या के मामले सामने आते हैं, तो इसमें ज्यादातर अस्पतालों में जाने की बजाय घर पर ऐसे IPs मंगाए जाते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस तरह के इलीगल IPs बेचने वाले जो मेडिकल्स हैं वो मेडिकल्स तत्काल सील किए जाने चाहिए। किंतु SP और पुलिस डिपार्टमेंट से बात करने के बाद वो बड़े ईमानदारी से कहने लगे कि ताई दिस इज नॉट अवर जॉब, ये अगर अन्न औषध प्रशासन मंत्रालय की बात है तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कौन सा ये बता सकते हैं। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं इस्तीफा मांगूंगी किसी से और जवाब किससे मांगू? अगर यहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, SP नहीं है, महिला बाल कल्याण मंत्रालय भी नहीं है, FDA मिनिस्ट्री भी नहीं है, तो जवाब मांगे तो किससे मांगे? तो उम्मीद करते हैं कि शायद मीडिया ये सारे सवाल पूछे कि अरे भाई अगर मिनिस्ट्री में इतना सारा अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है तो क्या अब तो कम से कम दिल्ली को आने जाने से क्या फुर्सत मिल रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इन सभी लोगों को कि वो यहाँ। और दूसरी बात की जो भी अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, एक भी महिला नहीं है, तो यहाँ इतने सारे महिलाओं के जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किससे करेंगे, सवाल किससे पूछेंगे? क्या महिलाओं के प्रश्नों पर यह सरकार उतनी ज्यादा गंभीर है ही नहीं, ऐसी कुछ चीजें हैं। तो इन सारी बातों को लेकर शिवसेना आने वाले दिनों में एक कड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, और संसद में भी पार्टी के सांसद जी और असेंबली में भी हमारे विधायकगण इस बात पर और ये तो बात बहुत ही ये थी कि सेक्शन CRPC 164 के तहत उसका स्टेटमेंट लेना जो बड़ा लाजमी है, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं लिया गया था। मनोधर्य योजना के तहत उसको पैसे देना, लेकिन क्यों नहीं दिए गए तो उसका वजह वह बता रहे कि नहीं उसके पास तो कोई अकाउंट ही नहीं है। अकाउंट क्यों नहीं तो कहते कि उसके पास ID प्रूफ नहीं है। ID प्रूफ क्यों नहीं है तो उसका खुद का कोई मकान नहीं है। अगर पीड़ित का कोई मकान नहीं है और ऐसे लोगों की तादाद पूरे भारत भर में बहुत ज्यादा है, तो आने वाले 15 अगस्त के अवसर पर जो माननीय मुख्यमंत्री का जो एक वीडियो बहुत चंक घूम रहा है कि वह तिरंगा फहरा रहे और घर घर पर तिरंगा लगाने की कोशिश बात कह रहे हैं, यहां पर लोगों को रहने को घर ही नहीं है तो किसके घर पर ये तिरंगा लगाएंगे? क्या फिर अदानी अंबानी के घर पर तिरंगा लगाने के लिए ही ये सारी कोशिशें हैं? तो इन सारी चीजों पर आपके सामने ये लाइमलाइट में लाए, फोकस में लाए, और इसीलिए ये आज के दिन का कार्यक्रम थी।